ताजमहल विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम निशाने पर हैं। विरोधी पार्टियां जहां उन्हें आड़े हाथों ले रही हैं, तो वहीं बीजेपी दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। कुछ नेता संगीत सोम का बचाव कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनके बयान से किनारा कर रहे हैं। संगीत सोम के बयान ने तूल तब और भी पकड़ा है जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो आगामी 26 अक्टूबर को आगरा आएंगे। इसके साथ ही सियासी गलियारों में हलचल है कि वो संगीत सोम के बयान से बहुत ही निराश हैं। वैसे इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि संगीत सोम ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। फिलहाल इस मामले को लेकर सीएम योगी ने सफाई मांगी है, लेकिन आज संगीत सोम से सफाई मांगने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद एक समय कहा था कि ताजमहल को राम महल बना देंगे। बता दें आपको, यूपी के मुख्यमंत्री बनने से लगभग 8 महीने पहले यूपी विधानसभा चुनावों पर एक टीवी शो पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि गोरखपुर के मोहल्लों के नाम बदल दिए हैं, हमने हुमायूंपुर को हनुमानपुर किया है। इसके बाद जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप ताजमहल का नाम बदलकर राम महल कर देंगे, तो सांसद योगी ने कहा था उस वक्त कि अगर आवश्यकता पड़ी तो ये भी जरूर होगा। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांसद योगी अब सीएम बनने के बाद उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर आ गया है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।